हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? दिस इज़ मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग बताओ कैसे हो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है बच्चा, आई होप मेरी वॉइस आप सभी को आ रही होगी बेटा। तो दिस इज़ मयंक, योर क्वांट एजुकेटर, एजुकेशनल एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स, कैट, SSC CGL, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30,000 कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बेटा, अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा ऑल इंडिया मेगा मॉक टेस्ट हो रहा है बेटा 30th of January को 2 PM पर। तो इसको आप, जिसमें फर्स्ट रैंक वाले को मिलेगा आईपैड मिनी, सेकेंड रैंक वाले को मिलेगा वर्थ ₹10,000 का अमेजोन वाउचर, थर्ड रैंक वाले को मिलेगा ₹5,000 का वाउचर एंड फोर्थ टू टेंथ रैंक को मिलेगा ₹500 का अमेजॉन वाउचर। आगे की बात करते हैं बेटा, 28th of January को एक्सेल लॉ बैच आ रहा है आपका, इसको आप इनरोल कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ 22nd of Jan से आपका बेटा बैच आ रहा है मास्टर ऑफ लॉ बैच, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मेंटर सेशंस 18 सेशन होंगे आपके बेटा 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में आपके 36 सेशन, 12 मंथ में 22, एंड 24 मंथ में 144 सेशन, जो कि कंडक्ट किए जाएंगे अनमोल गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 3 एंड अंशुल वत्स सर ऑल इंडिया रैंक 24। 29th of December से मेरा बैच आ चुका, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव क्विज फीचर की बात करें तो बेटा, इसमें चाहें तो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप क्विज होस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे की बात समझते हैं। यूलेट एन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 60 मिनट का, 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे 11 AM। ठीक है, आगे की बात करते हैं स्पेशल क्लास फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल, रेज अ हैंड का ऑप्शन, आपकी क्लासेस मिस नहीं होती क्योंकि आपके पास प्रॉपर नोट्स आते हैं, लेक्चर नोट्स, प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनी वेयर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो बेटा, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक बार ट्राई करिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्राई करिएगा एक बार। जल्दी से बेटा ट्राई करो और इसका आंसर बताओ कि क्या होगा आपका। ठीक है, जल्दी से बताइएगा बेटा। जल्दी से बताइए बेटा कमेंट करके सारे लोग आंसर। कमेंट करके बेटा जल्दी से आंसर बताओ सारे लोग, क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2.5 टाइम्स इट्स विथ। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। देखो बेटा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2.5 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि अगर मैं बी की बात करूं, बी बेटा एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5x। ठीक है ना, हेलो,
देखते बेटा, अगर बी आपकी एक हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसका, 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स हो गई। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा, तो बेटा आपका रेशियो कितना आ गया, 5:2 का। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज 70, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हमारे अकॉर्डिंग 5x और 2x अगर ले लें तो क्या होता है, 2 × L+B होता है, और 2 × L+B इज इक्वल टू 70 हो गया। 2 से मैंने कैंसिल आउट किया तो L+B इज इक्वल टू आपका कितना, 35। L+B आपका 7x, 7x इज इक्वल टू 35, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि 5x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो x की वैल्यू अगर बेटा 5 होगी तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इज योर राइट आंसर। कितना हो गया बच्चे, 25 आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा, ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करिएगा और आंसर बताइए इसका। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79 हो गया। जब भी आपसे इसका जो है रूट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको देखना है प्लस टू या माइनस टू करके कब इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो आपने देखा अगर प्लस टू करोगे तो बेटा एक तरफ किया है तो दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 79 + 2 यानी कि 81। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा आपका, 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को, 9 बेटा आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे लोग बच्चे कमेंट करके बताएं बात क्लियर है। अगर बेटा बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। There is a 4 meter wide road inside a square shaped.
गार्डन अलोंग द वॉल्स ऑफ गार्डन, इफ एरिया ऑफ द रोड इज 1760 मीटर स्क्वायर, देन वॉट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो बेटा देखो, ये आपकी जो है, सपोज दैट ये बेटा आपका स्क्वायर शेप का गार्डन हो गया, ठीक है ना, ये एक्स हो गया, एक्स हो गया। अब क्या है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 4 मीटर वाइड रोड इनसाइड द स्क्वायर शेप्ड, तो इनसाइड है यानी कि बेटा आपका कुछ इस टाइप से गार्डन के अंदर आपका ये बन गया, ठीक। तो बेटा 4 मीटर आपकी ये होगी और 4 मीटर आपकी ये होगी, तो दोनों तरफ हो गया। तो मतलब इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एक्स माइनस एट हो जाएगी, और इसकी ब्रेथ की बात करूं तो एक्स माइनस फोर हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहां पर, जैसे देखिए ये हो गया आपका, ठीक है ना, अंदर ये आपका इस टाइप से बन गया। तो ये x माइनस एट ये हो जाएगा इसकी साइड, और x इसकी साइड होगी। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट स्क्वायर, बेटा वही तो आपका रोड का एरिया बचेगा 1760। बोलो जी हाँ, है ना। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 64, माइनस 64 प्लस का आपका 16x इज इक्वल टू 1760, है ना। तो ये आपका ये और ये कैंसिल आउट हो गया, उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेटा कितना हो गया देखिए, 16x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 1696 बचा आपका। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिएगा, 16 वन 16 0, और ये हो गया आपका 6 106 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, वॉट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाइड बाई, पेरीमीटर क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए किसकी, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू बेटा निकालते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो इसमें, तो 424 हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बेटा, 424 आ रहा है। एक बार चेकआउट कर लेते हैं एक बार फिर से हम लोग, एक्स स्क्वायर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, सॉरी मैंने गलती से माइनस कर दिया आपका, क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा उधर, ठीक है ना, माइनस थोड़ी ना होगा इधर अगर माइनस में है। रुक जाइए, देखिएगा बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका जी 4 6 6 12 8 1 1824। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 वन 16 गया आपका। कोई डाउट, जहां कहीं भी डाउट हो तो आप बताते चलिएगा, ठीक है ना। ये आपका 114 बार गया, तो x की वैल्यू अगर 114 हो गई, तो आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर क्या होगा, 4x होगा। तो 4x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 456, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां से निकल कर आ गया। बताइए जी, बात क्लियर है बेटा सभी को, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताते चलो बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना क्या हो जाएगा एक बार, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से बेटा आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 20 मीटर एंड 15 मीटर। देयर इज अ स्क्वायर पिट हैविंग डायमेंशन 15 मीटर इंटू 15 मीटर। दिस पिट इज टू बी फिल्ड अप यूनिफॉर्मली अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर बाय द सॉइल टेकन आउट बाय डिगिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड। फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ द सॉइल इज टेकन आउट यूनिफॉर्मली। बेटा कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए सारे लोग क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं सारे लोग। देखिए अब बेटा यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में बात करी जाए तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हैविंग रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 20 मीटर एंड 15 मीटर। तो आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ये 20 मीटर एंड 15 मीटर, ठीक है। इससे बेटा मिट्टी निकालकर एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका 15 बाई 15 का है, उसमें डाली गई है, उसको 4 मीटर तक जो है उसको उठाना है उसकी हाइट, ठीक। तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, 15 इंटू 15, एक तरह से वो आपका क्यूब बन गया, क्यूबॉइड बन मतलब क्यूब बन गया, ठीक है ना, 15 इंटू 15 इंटू 4, ठीक है। अब निकाली कहाँ से जाएगी मिट्टी बेटा, इससे निकाली जाएगी, एक तरह से ये क्यूबॉइड बन जाएगा आपका। तो 15 इंटू 20 इंटू h, यही h आपको फाइंड करना है। 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, 4 5 20, 5 से मैंने कट किया तो बेटा 3 आ गया, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे आपका, 3 आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 3 आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा।
जल्दी से बेटा बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ 4 मीटर 95 9 इंची। अब इस टाइप का अगर बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी जाए तो वहाँ पर आप क्या फाइंड करोगे? एच सी एफ। ठीक है, तो आपका क्या है 495 को 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 495 हो गया आपका, ये आपका 900 हो गया, और ये हो गया आपका 1665। कितना हो गया बच्चे? 1665 हो गया आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम एस सी एफ निकालते हैं, तो बेटा डिवाइड एंड रूल से एस सी एफ निकालते हैं। 900 डिवाइड बाई 495, वन टाइम गया 495, कितना बचा? 405 आ गया आपका। ये 495 कितनी बार गया आपका? 505 आएगा क्या? नहीं, 505 थोड़ी ना आएगा, 8 में 4 गया आपका, 4 बचा यहाँ पे। ठीक है, वन टाइम गया तो 405 आपका कितना बचा? 90 बचा। फिर बेटा मैंने 405 लिख दिया आपका, 4 टाइम गया आपका, कितने टाइम गया? 4 टाइम गया, ये बेटा आपका 360 हो गया, कितना बचा? 45 बचा। फिर आपका 90, 2 टाइम गया 90, दिस इज कैंसिल। अगर बेटा कैंसिल हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। एंटर 45 इज योर राइट आंसर। 45 बेटा आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करो। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस ईच एंड द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैव 5 चॉइसेस ईच। हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। Thank you.
जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ बेटा क्या होगा इसका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए। देयर आर फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन। फर्स्ट, देर आर फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हैव फोर चॉइसेस ईच एंड द रिमेनिंग टू क्वेश्चन हैव फाइव चॉइसेस ईच। हाउ मैनी क्वेश्चन सीक्वेंसेज ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, कि अगर मैं बात करूँ आपको तो जैसे क्या है, फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हैव फोर चॉइसेस, तो बेटा चार चार के फॉर्म में ये डिवाइड हो सकती हैं, और बाकी के दो क्वेश्चन बेटा पांच के फॉर्म में आंसर दिया सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 55 25, 400, 1600। फोर हंड्रेड इंटू 400 यानी कि 1600। 1600 बेटा आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, 1600 राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए बेटा अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन अनिल स्कोर्स 80 72 80 85 एंड 78 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है ना, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द एवरेज। तो बेटा एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सम फाइंड करना पड़ेगा। 80 72 80 अगेन 85 एंड 78, ठीक है। थर्टी नाइन फाइव हो गया आपका, 395 हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड आउट करना है आपको एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 395, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, कितना हो जाएगा बेटा, 5 7 35, ठीक है। और फिर कितना बचा आपका, 4 5 9 45, 79 इज योर राइट आंसर।
बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा ठीक है, और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है। बिल्कुल जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 45% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन इफ ही गॉट 138 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 15% मार्क्स। तो बेटा 138 मार्क्स के साथ अगर उसको 15% मार्क्स और मिल जाते देन ही विल गेट सिलेक्टेड, जिसकी वैल्यू होती 45% के बराबर। ये उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 30% की वैल्यू हो गई बेटा 138, कट किया तो कितना हो गया आपका 46, तो 100% की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 460, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या होगा बेटा, जल्दी से सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता दो बेटा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है। जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, बताइएगा बेटा कमेंट करके आंसर। जल्दी से बेटा कमेंट करके सारे लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए बेटा जल्दी से आंसर क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करो, सीधा सा एक नंबर आप सपोज कर लो, तो 5 में 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो बेटा नंबर मैंने मान लिया 8 है, 8 को मैंने 5 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर कितना आया बच्चे आपका 3 आया कि नहीं आया। तो इसी तरह इसका स्क्वायर यानी कि 64 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा 4 बचेगा ठीक है ना, 4 आपका रिमाइंडर यहां से बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2500। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 50। द स्मॉलर नंबर इज, बताइएगा बेटे क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से कमेंट करके बच्चे बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? जल्दी से बताइए सारे बच्चे। जल्दी से आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा इसका, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा आंसर बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा बच्चे। देखिए क्या है आपका, अब अगर यहां पर बात करी जाए, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 8 एंड द रिमाइंडर इज 50, ठीक है? तो बेटा इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर आपका स्मॉलर नंबर अगर मैं देखूं, ठीक है ना, यहां से मैं चेक करता हूं स्मॉलर नंबर कि रिमाइंडर आपका 50 है, तो बेटा उसमें 50 ऐड करने पर 50 ऐड करता हूं पहले मैं, या फिर ऐसे ही आप क्या करो, द डिफरेंस आपका 2500 है व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है? तो अगर एक नंबर आपका बेटा x हो गया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2500 हो जाएगा, है ना? x प्लस 2500 हो जाएगा, ठीक? द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 8 एंड द स्मॉल रिमाइंडर इज 50। तो बेटा उसका 8 टाइम करके उसमें 50 ऐड कर दो तो आपका जो डिफरेंस होगा वो 2500 का आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसका 8 टाइम करूंगा तो 25 आपका 2000 और 2000 प्लस 50 यानी कि बेटा हो गया आपका 2050। क्या डिफरेंस 2500 है? नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मल्टीप्लाइड बाय 8 किया बेटा कितना आ गया, 2240 नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना? क्योंकि आपका 2240 आ रहा है 50 ऐड करने पे, जब नंबर ही 2500 से अबव नहीं आ रहा तो बेटा कैसे हो सकता है। फिर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, देखिए अट्ठाईस आ गया प्लस 50 कर दिया बेटा कितना हो गया 2850। नंबर आपका कितना है 350 बेटा, दोनों का डिफरेंस भी देखो आपका 2500 आ रहा है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा, अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से कमेंट करके बच्चा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे लोग। जल्दी से बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, देन 6 इज एडेड टू ईच नंबर एंड द एट लास्ट ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर इज, बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा।
जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा बच्चे सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा आंसर बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा। जल्दी देखिए अगर हम इस पर बात करें तो क्वेश्चन है आपका द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, ठीक है। तो बेटा जो हम लोग नंबर्स के साथ करेंगे वही आपका एवरेज के साथ होगा। तो अगर 7 है फिर आपका मल्टीप्लाइड किया गया 12 से, फिर आपका जो है उसमें क्या किया गया 6 ऐड किया गया, देन ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 15। सॉल्व कर लो 84, 84 प्लस 6 आपका कितना हो गया 90, 90 डिवाइड बाई 15 आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इन द ईयर 2000 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज 5 मिलियन, इफ इन ईयर 2001 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज 5.23 मिलियन, देन व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। भाई 5 से 5.23 मिलियन हो गई, यानी कि 2-3 मिलियन आपकी एक्सटेंड हुई है, 0.23 मिलियन। 5 पर पॉइंट हटा के 00 कर सकते हैं, इनटू आपका 100 बच्चे, 00 से 00 कैंसिल आउट, 23 अपॉन 5 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे आपका 4.6% विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहुल बोरोड ₹830 फ्रॉम मिस्टर लाल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एसआई वाज थ्री एसआई फॉर 3 इयर्स। ही देन एडेड सम मनी टू द बोरोड सम एंड लेंडेड टू शोभा फॉर द सेम पीरियड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इंटरेस्ट। इफ राहुल गेन्स ₹93.90 इन द होल ट्रांजेक्शन, वॉट अमाउंट डिड ही एड फ्रॉम हिज साइड। जल्दी से बताइएगा बेटा आंसर, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइएगा। राहुल बोरोड ₹830 फ्रॉम, तो बेटा एक बात समझना, ठीक है ना? उसने ₹830 में कुछ रुपए मिलाए और उसने क्या 14% पर एनम पर दे दिया, ठीक है ना? फॉर 3 इयर्स अपॉन आपका 100 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस का 830 इंटू आपका बेटा 6 12 इंटू 3 अपॉन आपका 100। और ये डिफरेंस कितने का आ गया बच्चे आपका? डिफरेंस आ गया 93.90 का। कितने का आ गया? 93.90 का। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा देखिएगा 100 में उधर भेज देता हूं तो आपका ये आ जाएगा 830 इंटू 42 प्लस का 42x माइनस का बेटा 36 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 830 इंटू 36 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 9390। ठीक है, 830 अगर मैं कॉमन कर लूँ यहाँ से तो आपका कितना बचेगा? 42 माइनस का 36 प्लस का 42x इज इक्वल्स टू 9390। ठीक है ना? तो बेटा ये आपका कितना बचा? 6 बचा यहाँ से, तो मल्टीप्लाई मैं कराता हूँ इसका, देखिएगा 830 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना? तो 4980 प्लस का 42x इज इक्वल टू 9390। बेटा सॉल्व करते हैं तो 42x इज इक्वल टू, 0 में से 0 गया, 9 में से 8 गया, बचा आपका 1, ठीक है? और फिर आपका 13 में 9 गया, बचा आपका 4, फिर 8 में 4 गया, बचा आपका 4, ठीक है? तो अब सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 21 2 हो गया, 21 21 हो गया, और एक बार आप कट करोगे तो 105 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी? 105 आ गई यहाँ से। अगर बेटा ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अ प्रॉपर्टी डीलर परचेजेस टू फ्लैट्स फॉर ₹60 लैक्स। ही सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड द अदर एट अ गेन 10% एंड लॉसेस 10% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट? बेटा कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा। देखिए अब प्रॉपर्टी डीलर परचेज टू फ्लैट्स एट 60 लैक्स, एक को उसने 5% लॉस पर और दूसरे पर 10%, तो बेटा माइनस का 5% लॉस और 10% प्लस का आपका, ठीक है ना। क्या हुआ, ये लॉसेस 10% ईच, तो माइनस का 10% हो गया बेटा। इधर सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, देखो बड़े में से छोटा आप माइनस करोगे तो आपका 20% हो जाएगा, इधर आप जो है माइनस फाइव में माइनस टेन करोगे तो देखिएगा माइनस फाइव में माइनस का माइनस टेन किया तो बेटा कितना हो गया आपका, ये देखिएगा ये प्लस हो जाएगा बच्चे आपका खुल के, तो प्लस का 5% आ गया आपका। तो यहाँ पर जो रेशियो आ गया 4:1 का रेशियो आ गया, कितने का रेशियो आ गया, 4:1 का, बताइए इतनी बात क्लियर है सभी को। तो 4:1, 5 5 की वैल्यू हो गई बेटा आपके कितनी, 60 लाख, तो 1 की वैल्यू हो गई 12 लाख, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 48 लाख, ठीक, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 लाख, ठीक। तो आपसे फर्स्ट का पूछ रहा होगा, ईच फ्लैट की जगह आप फर्स्ट फ्लैट डाल दो, ठीक है ना, आपका कितना आ जाएगा 48 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। आकाश बाई द सर्टेन वेराइटी ऑफ राइस बेटा 25 रुपीज़ पर के जी वाला, एक की कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, एक की कॉस्ट है 25 और एवरेज कॉस्ट है 20, तो बेटा ये आपका 5:4 में मिलाया गया है, 25 - 20 कितना हो गया 5 हो गया, 5 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 4, तो 20 - 4 कर देंगे, एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी 20 - 4 यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एंड 12 सेकेंड टू पास अ मैन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक। बेटा जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, समझिएगा, जब सेम डायरेक्शन में
ट्रेन और मैन दोनों जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड बेटा माइनस हो जाएगी। तो 54 माइनस 6 यानी कि कितनी आ गई, 48 मीटर पर सेकेंड आ गई उनकी स्पीड। कितनी आ गई बेटा, 48 मीटर पर सेकेंड आ गई, किलोमीटर पर आवर सॉरी। ठीक, तो 48 को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। तो हम लोग भाई पता करते हैं 48 की स्पीड से उसने 12 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है ना। 48 की स्पीड से इतने सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो बेटा देखते हैं, ये आपकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ये हो गई, टाइम बेटा 12 हो गया, तो 6 3 18, 6 2 12 बेटा ये आ गया आपका 16, 160 160 मीटर क्या आ गई आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई। कितनी आ गई, 160 मीटर बच्चे आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि 54 किलोमीटर पर आर है, तो बेटा उसकी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड कितनी हो जाएगी, 54 × 5/18, तो ये आपका 3 टाइम गया, ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 20 मीटर सेकंड में कितना आ गया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो 20 सेकंड में वो 15 मीटर की स्पीड से गया है 300 मीटर, जिसमें से आपका 300 में 160 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ हो गई। तो बेटा प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, 140 मीटर, बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर अपॉन 3 मान लो आप, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस वाली इक्वेशन को पहले, तो 3x-2 = 2x + 4, बेटा ये इधर आएगा तो x = 6 आ गया। यहाँ पर वैल्यू रख लो, 6 + 6 = a + 2/3, ठीक है ना, 6 = a + 2/3। तो बेटा कितना हो जाएगा, a = 6 - 2/3, तो बेटा 18 - 2, यानी कि ये आपका कितना आ गया, 16/3 आ गया। ठीक है बच्चे, ये आपका रहा होमवर्क का क्वेश्चन, जैसा मैं हमेशा देता हूँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस में आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। लाइव में आपको प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड प्रायोरिटी इन लाइव क्लास मिलती है। 3 मंथ में आपको मिलेंगे 18 सेशन, 6 मंथ में 36, 12 मंथ में 72 एंड 24 मंथ में 144 सेशन मिलेंगे। ठीक है बच्चे, साथ ही साथ बात करें तो अगर आप आइकॉनिक सेशन लेते हैं तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 2700 रुपीज़ पर मंथ एंड 12 मंथ का 3300 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 मंथ का 1400 रुपीज़ पर मंथ एंड 18 मंथ का 1500 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।